आपने अभी तक कई फिलिंग वाले मोदक ट्राई किए होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कभी आपने एप्पल फिलिंग वाले मोदक ट्राई नहीं किए होंगे। तो तैयार हो जाइए बप्पा को खुश करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ एप्पल्स ले लिए हैं, सबसे पहले उन्हें पील कर लेंगे। पीलिंग के लिए आप स्क्रैपर भी यूज कर सकते हैं। जो पील किए हुए एप्पल हैं उन्हें पानी में डाल देंगे जिससे कि वो काले ना पड़े। मैं आपको चाकू से भी एप्पल पील करना दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह आप नाइफ की हेल्प से भी इसे पील कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस के साथ हम एक एक करके सारे एप्पल्स पील कर लेंगे। इसके बाद जो एप्पल के मिडिल में वेस्ट पार्ट है उसे हम क्लियर कर देंगे। इसके बाद हम एप्पल को छोटे छोटे साइज में कट करेंगे। एप्पल का छोटा साइज कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, इसलिए हम साइज को छोटा रखेंगे। तो एक एक करके एप्पल्स को छोटे छोटे साइज में कट कर लेंगे और सॉस पैन में डाल देंगे। एप्पल्स को कट करने के बाद हम इसे धो लेंगे और धोने के बाद हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैंने अनसॉल्टेड बटर यूज़ किया है। बटर को डालने के बाद हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। धीरे धीरे बटर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो बटर मेल्ट हो गया है, अब धीरे धीरे बटर के साथ एप्पल्स को कुक करना है। तो लगातार चलाते रहना है हमें और फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। आधा कप चीनी डालेंगे, चीनी स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जायफल और दालचीनी पाउडर ले रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे। अगर आप पसंद नहीं करते तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर इलायची पाउडर लिया है तो स्वाद के अनुसार इलायची पाउडर डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर 1 टेबल स्पून नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अगर पूजा पाठ में आप नहीं यूज़ करते तो स्किप कर दीजिए। बिल्कुल स्लो फ्लेम में हम इसे ढककर पकाएंगे। करीब 10 मिनट तक हमें इसे पकाना है। 10 मिनट हो गए हैं, अब चेक कर लेते हैं हमारी फिलिंग के क्या हालचाल हैं। तो देखिए कैरमलाइज्ड एप्पल कितने टेस्टी दिख रहे हैं। अभी फिलिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हम इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर नारियल कुकीज हम डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ साथ हमें हल्के हाथों से एप्पल्स को मैश करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे अखरोट है, काजू है, बादाम है, और किशमिश मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने काले कलर के किशमिश लिए हैं जिनके बीज मैंने निकाल दिए हैं पहले से। इन्हें हम दरदरा पीस लेंगे। तो एक जार में से ट्रांसफ़र कर देंगे, हमें इन्हें पाउडर नहीं करना है, इन्हें दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह का मिक्सचर हमें चाहिए। तो इस मिक्सचर को डायरेक्ट नहीं डालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक पैन ले लिया है मैंने, उसमें हम 1 चम्मच या आधी चम्मच घी डालेंगे या बटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। बटर को चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे धीरे धीरे। बटर के मेल्ट हो जाने के बाद इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम में कुछ 5 मिनट तक इन्हें रोस्ट कर लेंगे। जब हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू आने लगे तब गैस को बंद करने के बाद, ठंडा होने के बाद हम इसमें मिला देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स और फिलिंग दोनों को मिक्स करना है। इस लास्ट स्टेप के बाद फिलिंग बिल्कुल रेडी है। एप्पल फिलिंग जितनी देखने में यम्मी है उतनी खाने में भी टेस्टी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर एक नॉन स्टिक कढ़ाई ली है, सबसे पहले इसमें 2 कप पानी डालेंगे। तो ये 1 कप पानी सबसे पहले डाल देंगे, फिर 2 कप पानी हम डाल रहे हैं यहाँ पर। पानी डालने के बाद इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे, घी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो पानी में जब अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा उसके बाद ही हम चावल का आटा डालेंगे। तो 2 कप चावल का आटा यहाँ हमें डालना है। तो हमने 2 कप चावल का आटा ले लिया है, अब जल्दी जल्दी से इसे मिला देंगे।
जितना आटा लिया है पानी भी उतना ही यूज करना है। अगर आपको लगे कि पानी कम पड़ रहा है तभी आप थोड़ा पानी और डालिए। मिक्स हो जाने के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ढककर रख देंगे करीब 5 मिनट के लिए। करीब 5 मिनट रेस्ट के बाद ये हल्का गर्म है और अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। हमें इसे ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म रहते ही इसका डो रेडी कर लेंगे। तो पानी का यूज़ नहीं करेंगे, गीले हाथों से हाथ को गीला करते हुए हम डो को तैयार करना है। हथेली में पानी या घी किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पानी डालकर इसमें आटा नहीं लगाना है। इसका आटा रेडी होता है जब इसे लगातार अच्छी तरह से मैश करते हुए इसका डो बनाएं। डो रेडी है, चेक करने के लिए एक छोटा सा रोल बनाएंगे। रोल बनाने के बाद इसे हल्का सा दबाएंगे और अगर ये चिकना रहे तो ये रेडी है। मोदक बनाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक मोल्ड लिया है, इसकी हेल्प से हम मोदक रेडी करेंगे। चाहे तो हाथों से भी मोदक बना सकते हैं। यहाँ पर मैं दो तरीके से मोदक बनाना दिखा रही हूँ आपको। बिना मोल्ड के भी आप हाथों से मोदक तैयार कर सकते हैं। एक छोटी सी लोई लेंगे, इसे ओवल शेप में बना देंगे। तो हमने ये जो ओवल शेप जैसा बनाया है इसे हम मोल्ड के ऊपर रख देंगे। सेम प्रोसेस के साथ हम दूसरी तरफ भी लोई को ओवल शेप बनाकर प्रेस करके और मोल्ड के ऊपर लगा देंगे। तो दोनों तरफ से मोल्ड को कवर करते हुए हम डो रख देंगे ऐसे। इसके बाद थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग लेंगे और इसमें फिल कर देंगे। फिलिंग उतनी ही लीजिए जो कि एक्स्ट्रा ना हो, थोड़ी थोड़ी दोनों तरफ रख देंगे। फिलिंग सेट करने के बाद फिलिंग को थोड़ा सा हल्का सा दबा देंगे जिससे कि वो अच्छे से फिट हो जाए। अब मोल्ड को बंद कर देंगे और जो ऊपर का एक्स्ट्रा आटा है उसे हम दबाते हुए कवर कर देंगे। तो देखिए, हल्के हाथों से दबाते हुए कुछ इस तरह हमने कवर कर दिया है इसे। अब हल्के हाथों से इसे बाहर निकालेंगे तो देखिए कितना बढ़िया मोदक बनके तैयार हो गया है। मैं इसे निकाल कर एक बार आपको पास से दिखा देती हूँ। इसका शेप कितना लाजवाब है। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक दिखाती हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा डो लेंगे और सांचे में इसे अंदर की तरफ हमें भरते हुए एडजस्ट करना है जिससे कि बीच में थोड़ा सा गैप रहे और चारों तरफ इसकी फिलिंग चिपक जाए अच्छे से। तो हाथों में थोड़ा सा घी लगा के और फिर इसे एडजस्ट करेंगे तो इसकी चारों तरफ इस तरह के लेयर बना देंगे और बीच में स्टफिंग भरेंगे और ऊपर से थोड़ा सा आटा लेके इसे एडजस्ट कर देंगे। हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि इसका डो कवर हो जाए अच्छे से। तो देखिए कितना बढ़िया मोदक बन गया है। तो आप दोनों तरह से मोदक बना सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट मोदक बन के तैयार हुआ है। एक एक करके सारे मोदक तैयार करेंगे। तो यहाँ पर सारे मोदक हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब टाइम है इन्हें स्टीम कर लेने का, तो चलिए इन्हें स्टीम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक स्टीम प्लेट ले ली है, इसमें रखकर हम मोदक स्टीम करेंगे। तो यहाँ केले के पत्ते को धोकर ले लिया है, उसे थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे जिससे मोदक इसमें चिपकेंगे नहीं। ग्रीस करने के बाद एक एक करके सारे मोदक हम इसमें रख देंगे। तो थोड़ा से स्पेस के साथ हम मोदक को रखते जाएंगे। तो इसमें करीब 6-7 मोदक बन गए हैं। तो यहाँ पर हमने पानी गर्म करके रखा हुआ है पहले से, पानी में उबाल आ गया है। अब स्टीम करने के लिए मोदक को अंदर रख देंगे। तो एक बार में करीब 7 मोदक बनकर तैयार होंगे। तो इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए। 10-12 मिनट के बाद हम इन्हें चेक करेंगे तो ये परफेक्टली कुक हो गए हैं। एक एक करके सारे मोदक बाहर निकाल लेंगे। तो मोदक तैयार हो गए हैं। मैं एक आपको पास से दिखा देती हूँ। देखिए चारों तरफ से ये पक गया है,
तो इसी तरह बाकी के मोदक बाहर निकाल लेते हैं। मोदक बाहर निकालने के बाद जो दूसरा बैच है वो भी हम एक एक करके रख देंगे। इसी तरह हम इन्हें भी 10-12 मिनट तक ढककर स्टीम करेंगे। तो बप्पा को भोग लगाने के लिए मोदक तैयार हैं। इन्हें सैफ्रॉन के धागों से और घी से गार्निश करेंगे। तो इस गणपति में आप ज़रूर ट्राई कीजिए इन मोदक को। बहुत मेहनत लगी है इन मोदक को बनाने में, तो अपना भरपूर प्यार दीजिए। विघ्नहरण मंगलकरण गौरी पुत्र गणेश, प्रथम निमंत्रण आपको ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।